हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन सिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये जितना सुंदर है उतना ही आसान ये बनाने में है, और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपको डिजाइन और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने 6 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं और प्लस कर लेना है 2, जैसे कि मैंने यहां पर लगाए हैं 38 स्टिचेस। 6 से गुना करके 36 और प्लस उसमें 2 करके 38, 38 फंदे मैंने डाले हैं। तो चलिए पहली रो से इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली रो है हमारी सीधी तरफ से, रो 1 राइट साइड से। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी की तरह आपको बनानी है तीसरी और पांचवी रो। सेम आपको ऐसे ही रो 1 की तरह बनानी है। जहां से मैंने पहले ये डिजाइन स्टार्ट किया था वहीं से मैं आपको बता रही हूं ये। तो देखिए, पहला फंदा सीधा उतारा, और हाँ इसी की तरह आपको देखिए थर्ड और फिफ्थ रो बनानी है। पहला फंदा सीधा उतारा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा बनाना है और एक फंदा उल्टा, और लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना लेना है। अब आ जाइए दूसरी रो में, उल्टी तरफ से, रॉन्ग साइड से, रो 2 है हमारी। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। जो फंदा जैसे दिख रहा है इसको हम वैसे ही बनाएंगे, जो इस तरफ से सीधा है उसको सीधा बनाएंगे और जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे। तो इसी की तरह आपको रो 4 भी बनानी है, और अब मैं और इसी की तरह आपको रो 6 भी बनानी है। रो 4 और रो 6 सेम आपको रो 2 की तरह ही बनानी है रॉन्ग साइड से। तो अब मैं आपको रो 7 बताती हूं। अब देखिए, रो 6 तक मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, 6 रो मैंने यहां पर बना ली है। तो अब आ जाइए सातवीं रो में, सीधी तरफ से, रो 7 राइट साइड से। क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर धागा आगे, एक फंदा हम यहां पर उल्टा बनाएंगे, फिर देखिए धागा हम आगे ही रखेंगे। अब आगे वाले 2 फंदे, एक सीधा एक उल्टा, इनको हम स्लिप करेंगे, इस तरह से स्लिप करेंगे, और ये देखिए जो उल्टा फंदा है इसको हम पहले आगे लाएंगे और सीधा फंदा पीछे ले जाएंगे। तो किस तरह से लाएंगे देखिए, पहले हम सीधे फंदे को आगे की तरफ से पीछे ले जाएंगे और ये उल्टा फंदा आगे लाएंगे, और इसको देखिए हम उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, इसके बाद एक और फंदा हम यहां पर सीधा बनाएंगे इस तरह से, फिर देखिए जो उल्टा और सीधा फंदा है इनको फिर से हम बदलेंगे। ये सीधे सीधे फंदे हम यहां पर बीच में कर रहे हैं और उल्टे फंदे एक तरफ कर रहे हैं। तो देखिए अब इनको किस तरह से बदलेंगे, पहले ये उल्टा फंदा पीछे की तरफ से पीछे ले जाएंगे और सीधा फंदा आगे लाएंगे इस तरह से, और इसको सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए 3 फंदे हमारे देखिए यहां पर बीच में सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, बीच में जो फंदा उल्टा है इसको हम उल्टा ही बना लेंगे, और देखिए फिर से आगे सेम वैसे ही हम रिपीट करेंगे। शुरू के 2 फंदे छोड़कर देखिए यहां से हमारा रिपीट फिर से स्टार्ट हो रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार, यहां पर एक सीधा और एक उल्टा, इनको पहले हम स्लिप करेंगे, सीधा फंदा पीछे ले जाएंगे और उल्टा फंदा आगे लाएंगे इस तरह से, इसको उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक और फंदा सीधा, फिर देखिए इनको फिर से वापस से बदलेंगे इस तरह से पीछे, पहले राइट नीडल में ले आए, अब ये उल्टा फंदा पीछे ले जाएंगे और सीधा फंदा आगे लाएंगे इस तरह से, और इसको सीधा बना लेंगे और इस फंदे को उल्टा, और उसके बाद एक और फंदा हम यहां पर उल्टा बना लेंगे। और देखिए इसी तरह से हमने ये पूरी रो में करते
जाना है। यही हम देखिए सेंटर में तीन फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं और तीन फंदे ये उल्टे आ रहे हैं। जो सीधे फंदे हैं वो हम सेंटर में कर रहे हैं और जो उल्टे फंदे हैं वो इस तरह से साइड में कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने लास्ट के एक फंदे तक करते जाना है। इसी तरह से आपने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए सातवीं रो मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली है। लास्ट का फंदा बचा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो अब आ जाइए रो एट में, रॉन्ग साइड से आठवीं रो है हमारी। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए दो फंदे पहले सीधे बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री। और देखिए इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे और लास्ट में देखिए हमारे पास बचेंगे दो फंदे, ये हम सीधे बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये दो फंदे हमारे सीधे आएंगे और लास्ट का फंदा ये उल्टा हम बनाएंगे। जाइए रो नाइन पर, राइट साइड से नवी रो है हमारी। सीधी तरफ से पहला फंदा सीधा उतारा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए जो आगे वाले तीन फंदे हैं, जो सीधे फंदे हैं, इनको हमने सिलाई से उतारना है। इस तरह से हमने सिलाई से उतार दिया और अब ये जो पहला फंदा है इसको हम दो फंदों के ऊपर में से उतार देंगे इस तरह से, फिर वापिस से इनको दूसरी सिलाई में डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे हम यहां पर, क्योंकि जो फंदा हमने गिराया उसको हमने बढ़ाना भी है तो उससे हमारा डिजाइन भी आएगा और इस तरह से हमारा ये फंदा भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए तीन के वापस से तीन फंदे बना लिए, फिर धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री। फिर देखिए फिर से हम यहां से रिपीट करेंगे तीन फंदों को, जो सीधे फंदे हैं इन तीनों को पहले सिलाई से उतारेंगे, फिर पहला फंदा इन दो फंदों के ऊपर से उतार देंगे, फिर फंदे वापस से दूसरी सिलाई में डालेंगे, उसमें पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे लाकर तीन फंदे उल्टे। तो इसी तरह से आपने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और लास्ट में देखिए आपके पास दो फंदे बचेंगे, एक फंदा उल्टा आएगा और लास्ट का फंदा सीधा बना लेना है या उल्टा बना लेना है। अब देखिए ये रो मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली है, रो नाइन, और लास्ट के दो फंदे मेरे पास बचे हैं तो इन दोनों को मैं उल्टा बना लूंगी इस तरह से। तो अब आ जाइए रो टेन पर, दसवीं रो है हमारी ये, रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से दसवीं रो। तो ये हम देखिए पहले दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, टू थ्री, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे। और इसी रो की तरह आपको रो बारहवीं रो भी बनानी है, बारहवीं रो भी सेम आपको इसी तरह से ही बनानी है रॉन्ग साइड से। तो इस तरह से देखिए तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, इसी तरह से आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। और लास्ट में देखिए तीन फंदों में दो फंदे हमारे ये सीधे आएंगे और लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए रो इलेवन पर, राइट साइड से ग्यारहवीं रो है। इसमें देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर दो फंदे उल्टे, वन टू, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे और धागा पीछे करके तीन फंदे सीधे। और इसी तरह से देखिए हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट के में देखिए दो फंदे हम ये उल्टे बना लेंगे और आगे वाली रो, रो ट्वेल्व, हम सेम रो टेन की तरह ही बनाएंगे। जाइए रो थर्टीन पर, तेरहवीं रो है सीधी तरफ से। पहला फंदा सीधा उतारा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, टू, धागा पीछे। अब देखिए फिर से हम ये तीन फंदे जो सीधे फंदे हैं इनको सिलाई से उतारेंगे,
और तीसरे में जो पहला फंदा है इसको दो फंदों के ऊपर में से उतार देंगे, फिर दो फंदे फिर से दूसरी सिलाई में डालेंगे और एक फंदा इसमें पहले सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे और एक फंदा फिर से सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, 2 3, फिर धागा पीछे, फिर से देख लीजिए, तीन फंदे जो सीधे हैं इनको सिलाई से उतारा, तीसरे पहला फंदा इन दो फंदों के ऊपर में से उतार देंगे, फिर ये दो फंदे फिर से दूसरी सिलाई में डाले, एक फंदा इनमें पहले सीधा बनाया, धागा आगे लाएंगे और एक फंदा फिर से सीधा बना लेंगे और तीन फंदे उल्टे। तो इसी तरह से देखिए हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे और लास्ट में दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे और रो 14 भी हम सेम रो 10 की तरह ही बनाएंगे, 10वीं रो की तरह ही हम 14वीं रो भी बनाएंगे। अब आ जाइए 15वीं रो में सीधी तरफ से रो 15। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर देखिए धागे को पीछे ले जाएंगे। अब देखिए यहां पर फिर से हम फंदे बदलेंगे, जैसे हमने रो 7 में बदले हैं वैसे ही हम यहां पर भी बदलेंगे। तो देखिए एक उल्टा एक सीधा, इन दो फंदों को पहले सिलाई से यूं उतारेंगे, उल्टा फंदा देखिए हम यहां पर पीछे की तरफ से पीछे ले जाएंगे और सीधा फंदा आगे लाएंगे आगे की तरफ से। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब देखिए यहां पर सीधा और उल्टा फंदा है, इनको फिर से हम बदलेंगे। अब देखिए पहले हमने क्या किया था, 7वीं रो में तीन फंदे हमने बीच में सीधे किए थे और तीन फंदे यहां पर उल्टे किए थे। अब हम फिर से सेम इनको पहली पोजीशन में लाएंगे, एक फंदा उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से लाएंगे। तो उसके लिए हम ये फंदे बदल रहे हैं। तो देखिए यहां पर सीधा है एक उल्टा है, तो इनको सिलाई से उतारेंगे, सीधा फंदा आगे की तरफ से पीछे ले जाएंगे और उल्टा फंदा पीछे की तरफ से आगे लाएंगे इस तरह से। फिर देखिए धागा आगे, अब एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, और फिर से देखिए यहां पर हम फिर से ये फंदे बदलेंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने यहां से फिर से हमारा रिपीट स्टार्ट हो रहा है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर दो फंदों को सिलाई से यूं उतारेंगे, एक सीधा एक उल्टा, उल्टा फंदा पीछे ले जाएंगे, तो ये हम पीछे की तरफ से ले जाएंगे और सीधा फंदा आगे की तरफ से आगे लाएंगे। इसको सीधा बनाया, धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे और फिर से ये फंदे हम बदलेंगे, सीधा फंदा आगे की तरफ से पीछे ले जाएंगे और उल्टा फंदा पीछे की तरफ से आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से देखिए आपने पूरी रो में करते जाना है और लास्ट का फंदा आपने उल्टा बना लेना है। अब आ जाइए रो 16 पर, रॉन्ग साइड से 6ठी रो है हमारी, जो कि हमारी इस डिजाइन की भी लास्ट रो है। तो देखिए इसमें पहला फंदा सीधा उतारा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा। तो इसी तरह से हम ये रो पूरी बनाएंगे, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको हम वैसा ही बनाएंगे, एक फंदा सीधा एक उल्टा और लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना लेना है। देखिए रो 16 रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली है और यहां पर हमारा डिजाइन भी ये ओवर हो जाता है। अब आपने रो 1 से लेके रो 16 तक कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। बहुत ही ब्रेडी बनता है, आप लेडीज जेंट्स बच्चों की स्वेटर शॉल मफलर जो भी आप बनाना चाहते हो उसमें आप इसको बना सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।